हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रीसेल का। 1 BHK है, करीबन 600 स्क्वायर फुट यानी 550 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है और प्रोजेक्ट का नाम है भैरव रेसिडेंसी। ये देखें, कनकिया रोड पे सबसे खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है ये, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और सारी एमिनिटीज भी है इसमें, क्लब हाउस, जिम्नासियम, किड्स प्ले एरिया वगैरह सब कुछ है। तो आज इसी भैरव रेसिडेंसी के 1 BHK के रीसेल के बारे में बात करेंगे। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ का बिल्डिंग, एलिवेशन, कनेक्टिविटी, बस स्टॉप, रिक्शा स्टैंड, साथ ही साथ वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट वगैरह की क्या कनेक्टिविटी है स्कूल कॉलेज की। उसके बाद मैं प्राइजिंग साइजिंग वगैरह की बात करूंगा। पहले आइए लाइव देखते हैं भैरव रेसिडेंसी कैसा है, किस टाइप का है। ये 1 BHK की प्रॉपर्टी है भैरव रेसिडेंसी का, आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो भैरव रेसिडेंसी में लिमिटेड बहुत ही है, 1 BHK यहाँ पे है नहीं। ज़्यादातर बिल्डर ने 2, 2.5 और 3 BHK ही बनाया है और 1.5 BHK बनाया है। तो ये जो 1 BHK है ना, एक बड़े साइज में कंपेयर टू 2 BHK है। आप देख सकते हैं ये डाइनिंग एरिया दिया हुआ है, एल शेप में इसका हॉल है, यानी लिविंग और डाइनिंग का एरिया है। इसमें एक बड़ा सा 3 से 4 फुट का बालकनी दिया हुआ है। वो कंप्लीट 2 BHK के ही पैटर्न पे ही ये बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा कुछ इनके फ्लोर प्लान में कुछ चेंजेस होते हैं ना, तो उसके वजह से उन्होंने 1 BHK बनाया है। बट ये एग्जैक्ट हॉल वगैरह देखें तो 2 BHK जैसा ही है। उसी के मुताबिक इसका प्राइस भी है, जो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको, जब डिटेल बताऊँगा प्रोजेक्ट का, फ्लैट का, तभी। ये देख सकते हैं विंडो के साइड से मैं आपको, ये लिविंग एरिया है और आगे डाइनिंग एरिया है। इसके बाद मैं कल के चलता हूँ आपको, डाइनिंग के जस्ट अपोजिट साइड में किचन है, यानी कि जो वास्तु में मानते हैं, जिन लोगों को वास्तु में काफ़ी बढ़िया एक ट्रस्ट है, एक फेथ है, उनके लिए आप समझ लें कि किचन के सामने डाइनिंग हो तो शुभ माना जाता है। कई फ्लैट्स में किचन के सामने टॉयलेट वॉशरूम होता है, तो कुछ लोग उस चीज़ को लेके रहते हैं नेगेटिव, बट समझने वाली बात है कि जो जिसमें बिलीव करे। ये इसका किचन का एरिया है, कॉमन वॉशरूम और मास्टर बेडरूम दिखाता हूं किस टाइप का है। कि जब आप लिविंग डाइनिंग और किचन से आगे बढ़ते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम मिलता है। कॉमन वॉशरूम है जिसमें वॉश बेसिन, कमोड, बाथ एरिया, सारे ब्रांडेड एसेसरीज में। ये जो बिल्डर हैं लीना ग्रुप, इन्होंने जो डेवलप किया था इस पूरे प्रोजेक्ट को, तो काफ़ी बढ़िया एक अच्छे क्वालिटी में। आप देखें तो जनरली ये मीरा रोड में कनकिया बेवरली पार्क रोड है, इस पूरे रोड पे भैरव रेसिडेंसी जैसा ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स कोई भी बिल्डिंग नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसकी अपनी एक अलग ही सुंदरता है। आगे जब मैं एमिनिटीज दिखाऊंगा, जब मैं बाहर की चीज़ें दिखाऊंगा, तब आपको अपने आप समझ में आएगा। नीचे देख सकते हैं कितना इन्होंने ओपन स्पेस प्रॉपर छोड़ा है, ताकि पब्लिक को पार्किंग वगैरह का बहुत आसान हो जाए। और ये विंडो के साइड से मैं आपको कवर्ड का स्पेस दिखा रहा हूँ, वार्डरोब का स्पेस दिखा रहा हूँ। और फिर से आ गए हम लोग लिविंग डाइनिंग में। मैं पैसेज दिखा देता हूँ, एक बार देख लें पैसेज में कितना स्पेस है, क्या है। ये इसका 2 हाई स्पीड और 1 स्टेयरकेस है।
ये भैरव का एग्जिट गेट है। ये मैं आपको आज एग्जिट गेट से दिखाने वाला हूँ। ये कनकिया रोड है, बेवरली पार्क रोड है, जो भी आपने देखा। अभी मैं एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ आपको। सात से आठ विंग्स हैं इसमें और हर एक विंग का डेकोरेशन फिनिशिंग बिल्कुल इसी तरह से है। आप देख सकते हैं लीना ग्रुप बिल्डर हैं ये, और बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस लॉबी हर एक वे बिल्डिंग में इन्होंने बनाया है। पूरे तीन बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है ये, सात से आठ विंग है इसमें। स्टेयरकेस है, दो हाई स्पीड लिफ्ट है। मैं आपको बीच का दिखा रहा हूँ, गार्डन किस टाइप का है। ये बच्चों का किड्स प्ले एरिया है। ये जॉगिंग ट्रैक है गार्डन के चारों साइड से। बीच में एक वाटर फाउंटेन बना हुआ है और ये क्लब हाउस के अंदर का जिम्नाशियम है। और ये सेंटर में चारों साइड से बिल्डिंग के पीछे से साइड का भी पार्किंग एरिया है, प्लस आपने गार्डन भी देखा, गार्डन के भी चारों तरफ पार्किंग। ये क्लब हाउस है इसका, जो आप सामने देख रहे हैं, जी प्लस टू का क्लब हाउस बना हुआ है, जिसमें ओपन टेरेस है। ये मल्टीपर्पज कोर्ट है, यहाँ पे किसी भी गेम को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सभी तरह के गेम्स खेले जा सकते हैं उसमें, बच्चों के बड़ों के। और ये बिल्डिंग का एलिवेशन है बाहर से, ये इसका पार्किंग एरिया है। इस तरह के जो पार्किंग है, इसी पार्किंग की बात कर रहा हूँ, सारे ये ऑन पेपर है और पार्किंग नहीं अवेलेबल होने के कारण सोसाइटी में मुंह मांगा डिमांड किया जा रहा है। अभी जो मैंने 1 BHK दिखाया आपको भैरव रेसिडेंसी में, इसका डिटेल बताऊँ, 14 माले के टावर है ये, 7 विंग की पूरी सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 2 लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस है। फुली फर्निश्ड फ्लैट है जो आपने देखा है। ये लोअर फ्लोर पे फ्लैट है, बड़ा बालकनी है इसमें। बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो 6 साल के अंदर का बिल्डिंग है। OC, BMC वाटर गैस पाइपलाइन, ओपन पार्किंग, ये सब इसमें अवेलेबल है। सभी बैंकों से लोन है, किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बैंक लोन भी करवाने में हम आपकी पूरी मदद करते हैं दोस्तों। 540 स्क्वायर फुट यानी 540 स्क्वायर फुट का, 540 स्क्वायर फुट का इसका 1 BHK का कारपेट एरिया है, जिसकी प्राइस 82 लाख नेगोशियबल है, जिसमें ओपन पार्क कार पार्किंग आपको मिलता है। एम्यूनिटीज क्लब हाउस, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, जिम्नासियम, बैंक्वेट हॉल, इंडोर गेम्स, ये सब आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मिल जाता है। एक अच्छा खासा बढ़िया स्पेस कवर किया है, वो तो आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लीना ग्रुप का है। आगे कनेक्टिविटी आप समझ लें, क्योंकि कनेक्टिविटी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ पर रहने के लिए आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आसपास में क्या चीज़ें हैं। 5 मिनट के अंदर आप मेरा रोड स्टेशन, सैन थॉम स्कूल, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, JD इंग्लिश हाई स्कूल, LR तिवारी कॉलेज, गैलेक्सी हॉस्पिटल, HDFC बैंक, TJSB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, टेबल मार्केट, कनकिया पुलिस स्टेशन, महादेव मंदिर, मस्जिद, डिवाइन मर्सी चर्च, 7-Eleven क्लब, GCC क्लब, वर्धमान फैंटासी, ये सब आप मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। 10 से 30 मिनट के अंदर आप वाइंदर स्टेशन, कासीमीरा पुलिस स्टेशन, रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, दहीसर चेकनाका, ठाकुर मॉल, बिग बाजार, आउटलेट शोरूम्स में बताऊं, हाईवे पे जो है नाइकी, रिवॉक, एडिडास, पेंटालून, ये बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, इसके भी आउटलेट्स आपको हाईवे पे मिल जाता है, जो आप मुश्किल से 15 से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। दाराज ढाबा, घोड़बंदर रोड, दिल्ली दरबार होटल, होटल फाउंटेन होटल, मार्क्सिस मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, डी मार्ट, बिग बाजार, भाईंदर खाड़ी, सनसेट पॉइंट, ये सब आप मुश्किल से 10 से 30 मिनट के अंदर ये सब जगह पे आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। 45 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर आप ग्लोबल विपासना पेगोडा, SL वर्ल्ड एंड वाटर किंगडम, गोराई बीच, बेलंकनी बीच, नेशनल पार्क, वसई किला, जीवदानी मंदिर, मार्वे बीच, बरसोबा बीच, जुहू बीच, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, गिरगांव चौपाटी, माइंड स्पेस, IT पार्क, मालाड, ये सब आप मुश्किल से 1 घंटे के अंदर रीच कर जाते हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर आप जो मुंबई के बड़े जगह हैं, जैसे बैंडा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बैंडा वर्ली सी लिंक, जुहू बीच, सिद्धिविनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, क्रॉफर्ड मार्केट, मरीन ड्राइव, लेमिंगटन मार्केट, गिरगांव चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा, नरीमन पॉइंट, एलिफेंटा कैब्स, ये सब जो मुंबई के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये सब भी आप 1 से 2 घंटे के अंदर रीच कर जाते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं हमारे किन किन सर्विसेज के जरिए और भी हम अपने कस्टमर्स को बेनिफिट करवाते हैं दोस्तों।
सर्विसेज में हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन का भी काम करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी आप हमसे परचेस करते हैं तो होम लोन के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको होम लोन भी हम पूरा करवा के देंगे। उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विस देंगे, डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे और पूरा आपका काम करके देंगे। आगे दोस्तों बताऊं, हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल और बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। कभी कभी हमारे पास जो रीसेल में प्रॉपर्टी आती है, आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं वैसे हजारों लाखों लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अगर उनको अर्जेंट में कुछ प्रॉपर्टी सेल करना रहता है किसी भी लोकेशन में तो हमें फोन करते हैं कि विकास जी हमें ये प्रॉपर्टी सेल करना है, और अच्छा खासा प्रॉपर्टी आप देखें तो 20-20 30-30 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए डिस्काउंट में वो मार्केट से सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर अर्जेंट में बेचना है तो मुझे भाव कम करके बेचना पड़ेगा। और ऐसे मैंने कई लोगों को बेनिफिट करवाया है, गए महीने भी 4-5 प्रॉपर्टी हमने रीसेल में बेचा है जो 10-10 लाख रुपए कम भाव में बेचा है। ऐसे जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। साथ ही साथ जो बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आती है वो भी 30-40% डिस्काउंट पे प्रॉपर्टी आती है जो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। बैंक ऑप्शन करती है, कोई कुछ जो ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं उनका फ्लैट या प्रॉपर्टी उनकी ऑप्शन में चली जाती है तो वो सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट में मिल जाता है। और दूसरी जो हमारे पास लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है, बिल्डर को जब स्टार्टिंग बेस खड़ा करना होता है और लॉन्च करते हैं प्रॉपर्टी तो कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी पीएलसी डिस्काउंट होता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट होता है। ये सब जो डिस्काउंट वाली और फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि जब भी मैं फायदे वाली डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसकी आपको सूचना मिल सके और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले सकें। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, अगर आप व्हाट्सअप से ज़्यादा फ्रेंडली हैं, व्हाट्सअप हमेशा यूज़ करते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सअप पे है, आप आपके व्हाट्सअप नंबर से आपका नाम, आपका लोकेशन, आपका बजट हमें लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी या फिर आपके बजट से रिलेटेड, आपके जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जब प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जल्द से जल्द वो आप इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, और अगर आपके पास पेमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके काम की चीज़ हो तो आप उसको परचेस करके उसका फायदा भी ले पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, फायदेमंद लगता है तो आप अपने फ्रेंड फैमिली से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अगर प्रॉपर्टी की नीड हो, परचेस करना हो, और अगर उनके पास कोई आसपास में प्रॉपर उनकी टीम नहीं हो या कोई डीलर नहीं, कोई चैनल पार्टनर नहीं हो तो हम उनको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी दिलाने में, स्टार्ट टू एंड पूरा डील करवाने में और क्लोज करने में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।